नमस्कार दोस्तों, आज का जो वीडियो है प्रेजेंटेशन ऑन कोल बेस डीआरआई। इस वीडियो में कुछ थियोरेटिकल नॉलेज है जो ट्रेनीज स्टूडेंट होते हैं उनके काम आएगा। आर के इन्फॉर्मेशन लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड प्रेस द बेल आइकॉन। तो इसमें एक इंट्रोडक्शन है डायरेक्ट रिडक्शन मतलब DRI का। डायरेक्ट रिडक्शन इज द अल्टरनेटिव रूट ऑफ आयरन मेकिंग। DRI इज सक्सेसफुली मैन्युफैक्चर्ड इन वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड थ्रू आइदर गैस और कोल बेस टेक्नोलॉजी। द स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट रिडक्शन प्लांट आर लो कंपेयर टू इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट एंड आर मोर सुटेबल for many developing countries where supply of coking coal are limited। मतलब जहाँ पर कोकिंग कोल की शॉर्टेज है वहाँ पर नॉन कोकिंग कोल वाली ये प्रोसेस जो DRI मेकिंग है ये यूज़ होती है। डायरेक्ट रिड्यूस्ड आयरन इज ए रिच इन आयरन देन पेग आयरन। टिपिकली 90 से 95% टोटल आयरन डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी of the raw material as opposed to about 93% for melting pig iron and an excellent feedstock for the electric furnace used by mini mills, allowing them to use lower grades of scrap for the rest of the charge or to produce higher grade of steel. Today sponge iron is created by reducing iron ore without melting it. This make for an energy efficient feedstock for manufacturers which used to really open scrap metals। एक यहाँ पर एक ये डायग्राम है आयरन ओर टू लिक्विड स्टील। इसमें ऊपर की तरफ ऑक्सीजन का परसेंटेज है और यहाँ पर स्क्रैप है और नीचे में कार्बन है। तो जैसे 30% यदि हम ऑक्सीजन लेते हैं तो Fe2O3, तो डायरेक्ट मोल्टेन स्टील मेकिंग। फिर है ब्लास्ट फर्नेस, देन HBI डायरेक्ट रिडक्शन में HBI और DRI बनता है। इसको आप रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेथड ऑफ आयरन मेकिंग। तो ये डिफरेंट प्रोसेस है ब्लास्ट फर्नेस, कोल बेस्ड या गैस बेस्ड DRI और मेल्टिंग रिडक्शन। ऑक्साइड फीड क्या रहता है इसमें? लम्स और सेंटर पैलेट्स, लम्स और पैलेट्स, लम्स और फाइंस पैलेट्स, वेस्ट। रिड्यूकेंट जो होता है कोक और कोल होता है ब्लास्ट फर्नेस में, और DRI में कोल वेस्ट DRI में कोल या नेचुरल गैस होती है, और डायरेक्ट मेल्टिंग रिडक्शन में कोल एंड ऑक्सीजन एयर रहती है। प्रोडक्ट जो होता है ब्लास्ट फर्नेस से हॉट मेटल बनता है, कोल बेस में DRI और सिंथेटिक हॉट मेटल बनता है। आयरन मेकिंग इन्वॉल्व्स रिमूव ऑफ ऑक्सीजन, रिड्यूकेंट रिमूव्स ऑक्सीजन ऑफ्टन आल्सो सप्लाइड हीट। सम कोल बेस प्रोसेस जो अदर हैं जिसमें SLRN है, कोडियर कोल और डायरेक्ट रिडक्शन। हीयर वाटर मिस्ट इज डायरेक्टली इंजेक्टेड ऑन द DRI। वाटर मिस्ट यूज़ करते हैं डायरेक्ट DRI कूलिंग के लिए। और है SR LS चैम्बर कंट्रोल एटमोसफियर रिडक्शन। हीयर नेचुरल गैस या ऑयल कैन बी डायरेक्टली यूज टू फ्यूल टू सप्लीमेंट कोल। DRC जो है फॉर रिमूविंग आयरन, और यह है टाइटेनिया और जो होता है जैसे टाइटेनियम मिक्स रहता है उसके लिए यूज़ होता है। और TDR इंट्रोडक्शन ऑफ DRI या स्पंज आयरन। द प्रोसेस ऑफ स्पंज आयरन मैन्युफैक्चरिंग इन्वॉल्व्स रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम आयरन ओर। व्हेन दैट हैपेंस द डिपॉजिटिंग ऑक्सीजन केस माइक्रोपोर्स इन द ओर बॉडी टर्निंग इट पोरस। व्हेन द eventual product is observed under a microscope, it resembles a honeycomb structure which looks spongy in texture, hence the name sponge iron. Sponge iron is an iron source relatively uniform is composition and widely free from tramp elements. It is used increasingly in electric furnace and induction furnace to dilute the contaminant present in the scrap. Using these process, it has a associated energy valves in the form of combined carbon, which has a tendency to increase furnace efficiency. For captive DRI production facility, there is a added advantage that the delivery of hot DRI to the furnace can reduce energy consumption to 16 to 20%. Raw material used in DRI making. Iron ore and non-coking coal are the prime raw material for the production of sponge iron. These are charged into a rotary kiln in requisite proportion along with some dolomite. Coal plays a dual role in the process by acting as a reductant as well as the fuel for providing heat to maintain the requisite temperature inside the kiln at 950 to 1050 on Celsius. The reduction process occurs in solid state. The crucial factor is in this reduction process is a controlled combustion of coal and its conversion the carbon monoxide to remove oxygen from the iron ore. यहाँ पर आप देख रहे हैं हेमेटाइट, नॉन क्रिकिंग कोल एंड डोलोमाइट. यहाँ पर आयरन और इंडिया रिजर्व अवेलेबिलिटी के बारे में बताया गया है. टोटल रिजर्व अबाउट 23 बिलियन टन, हेमेटाइट 11.43 बिलियन टन, मैग्नेटाइट 10.68 बिलियन टन. हाई ग्रेड हेमेटाइट ओनली 40% ऑफ टोटल रिजर्व. कोल इंडिया रिजर्व अवेलेबिलिटी बताया गया है. इंडिया इज ए थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोल इन द वर्ल्ड. इंडिया हैज़ फोर्थ लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ कोल इन द वर्ल्ड. नॉन कोकिंग कोल रिजर्व 233.8 बिलियन टन. कोकिंग कोल रिजर्व एड आर 33.4 बिलियन टन्स. टिपिकली इंडियन कोल हैज़ हाई एस कंटेंट 15 to 45 एंड लो कैलोरीफिक वैल्यू. कोल इंडिया रिजर्व अवेलेबिलिटी में देखिए सेमी कोकिंग 23 बिलियन टन में है ये. प्राइम कोकिंग 6, नॉन कोकिंग 233.8 मिलियन टन, टोटल 246 मिलियन टन. कोल अवेलेबिलिटी स्टेट वाइज बताया गया है. यहाँ पर देखिए असम का बताया गया 14.14%, बंगाल 11%, उत्तर प्रदेश 0.4%, सिक्किम 0.03%, ओडिशा 24%, नागालैंड में 0.008%, मेघालय में 0.21%, महाराष्ट्र में 4%, छत्तीसगढ़ 17%, मध्य प्रदेश 8%, बिहार 0.05%, झारखंड 29%, और अरुणाचल प्रदेश में 0.03% और आंध्र प्रदेश में 7%. मैक्रो फीचर ऑफ द कोल बेस्ड DRI. The rotary kiln is a refractory castable lined steel cell filled with material which iron और साइज जो होता है 5 to 20 mm, कोल साइज 3 to 20 mm, dolomite size 1 to 6 mm. For the inlet to the outlet in the horizontal जो होता है वो 2.5% incline होता है. Position rest of on fourth support station and get rotational power at center of the kiln from drive system. Air is injected through 8 nose of cellular fan. Further, air is injected at the kiln outlet by means of center burner. Kiln temperature profile is measured, monitored with fixed and removable thermocouples QRT, provided more accurate information about kiln inside condition. The discharge material from the kiln get indirect cooling inside the rotary cooler. The process goes on continuously till the kiln is shut down for accretion, cleaning, repairing or modification. यहाँ पर DRI प्रोसेस बताया गया है. सबसे पहले RMS और कोल माइन, वास्ट कोल, आयरन और डोलोमाइट, यहाँ DRI फॉर्म होगा. फिर उससे स्पंज आयरन बनेगा. देन SMS में इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस में भेज दिया जाता है. और वेस्ट गैस जो होती है वो WHRV में जाती है और टरबाइन से पावर जनरेट होता है. Process involved in DRI making. Iron ore, wash coal and dolomite are fed in different proportion from the end from the feed end. Injection coal lumps and injection coal fines are injected from outlet. About 40 to 45% of the total coal is charged from the feed end, and remaining 55 to 60% of the coal is pneumatically injected into the kiln from the discharge, and dolomite is fed is proportion of 2 to 4% of the iron ore along with the iron ore. Process involved in DRI making में इसमें reactions हैं. यहाँ पर इसमें CO आप O2 से react करके क्या बनाएगा, CO2, जो कि एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. C कार्बन जो है CO2 सिलेक्ट करके 2CO बनाएगा, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है. फिर 3Fe2O3 प्लस CO फॉर्म करेगा 2Fe3O4 प्लस CO2, और Fe3O4 फिर CO सिलेक्ट करके 3FeO बनाएगा और CO2 बनेगा, और FeO फिर CO सिलेक्ट करके Fe प्लस CO2 बनाएगा. रिएक्शंस नंबर 2 टेक प्लेस एवरीवेयर इनसाइड द चार्ज बेड एज इन DRI चार्ज. द कोल एबिलिटी इज एसेंशियल थ्रू आउट द किल्न लेंथ along with iron ore and dolomite. The coal gets react with CO2 and produce CO. The produced CO having two function. First, it react as a reductant agent is charge bed. A second, it goes in gaseous atmosphere of the kiln to get react with oxygen and produce heat. Storage of coal is any zone under the kiln operation parameter. Phenomena inside the kiln. यहाँ पर देखिए सेकेंडरी एयर जो ट्यूब से आती है, सेलर ट्यूब से. टेम्परेचर बताया गया है 1050 से 1150, और सेंटर में रिएक्शन बताई गई है जो CO आप O2 सिलेक्ट करके CO2 फॉर्म कर रही है. टेम्परेचर मिडिल में कितना दिखाएगा, 950 से 1050, माना गैस का टेम्परेचर ज़्यादा रहता है. और ये नीचे चार्ज बेड जो है, और साइड में जो है जो रिएक्शंस होती हैं उनको बताया गया है. प्रोसेस इन्वॉल्व इन DRI मेकिंग. DRI इज सब्सिक्वेंटली इनडायरेक्ट कूल्ड इन ए रोटरी कूलर वेयर स्पंज आयरन टेम्परेचर गेट कूल्ड बिलो 150 डिग्री सेल्सियस फॉर द एग्जिट गैसेस फ्रॉम द किल्न. देयर इज ए सेटिंग चैम्बर for coarse dust removal DSC, and this is followed by a 2 stages after burning chamber. ABC is the first stage of the after burning burner. The combustible gases are burned and in the second stage the fine carbon particles are burned. Air is injected through ABC fans to control the temperature of this zone, and gas is then passed through waste heat recovery boiler before it is scrubbed in ESP and discharged into the chimney. प्रोडक्शन ऑफ 1 टन ऑफ स्पंज आयरन में क्या क्या रिक्वायरमेंट रहता है वो बताया यहाँ पे। आयरन ओर 1.68, कोल 1.250, डोलोमाइट 0.440, एयर 21 नॉर्मल मीटर क्यूब में दिया है। ये फॉर्म होगा स्पंज आयरन 1 टन 4.350, गैस 32 और फ्लूइड डस्ट 0.09। स्कीमेटिक ऑफ आयरन ओर रिडक्शन यहाँ पर बताया गया है। इंटरनल रिडक्शन में फाइन ग्रेन्स हैं ए वाले फिगर में, बी में एफ ई लेयर बताया गया आउटलेट में, और बीच में ऑक्साइड रहता है। और टोपोकेमिकल रिडक्शन विथ शार्प इंटरफेस प्रोडक्शन जोन में बताया है थर्ड सी वाले में। बीच में ऑक्साइड फॉर्म रहता है जिसको वॉक्साइड भी बोलते हैं। टोपोकेमिकल रिडक्शन विथ डिफ्यूज इंटरफेस बताया है, अंदर तक डिफ्यूज होके होती है जो। वाई डी आर आई इज कॉल्ड स्पंज आयरन। स्पंज आयरन इज प्रोड्यूस फ्रॉम डायरेक्ट रिडक्शन नॉट गोइंग इनटू द मोल्टेन फेज, while oxygen removal of iron ore is in the form of lumps, pellets or fine by a reducing gas produced from natural gas or coal. The reducing gas is mixed majority of hydrogen and carbon monoxide is case of gas based DRI and carbon monoxide in case of coal based DRI, which act as reducing agent. This process of directly reduce the iron ore in solid form by reducing gas is called direct reduction. तो direct reduction क्यों बोलते हैं उसको ये बताया गया है। iron ore है, direct reduction होके oxygen removal in solid state में होती है और sponge iron form होता है। physical property of the iron ore दी है यहाँ पे। देखिए iron ore में क्या क्या है। FET मिनिमम 65%, मतलब रिच आयरन का केस में। Al2O3 प्लस SiO2 5% मैक्सिमम। टम्बलर इंडेक्स 88 मिनिमम, वरना रिच ओर के लिए है ये। वाइब्रेशन इंडेक्स 5% मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। थर्मल डिग्रेडेशन इंडेक्स 5% मैक्सिमम होना चाहिए। साइज 5 to 20। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ वॉश कोल दिया है या इनकमिंग कोल। FC 40% मिनिमम, VM 30% मैक्सिमम, S 25% मैक्सिमम, मॉइस्चर 12% मैक्सिमम। S फ्रीजन टेम्परेचर 1280 °C मिनिमम होना चाहिए। केकिंग सोयल इंडेक्स 1% मैक्सिमम। फीड साइज 3 to 20 mm और इंजेक्शन साइड में 5 to 20 mm और इंजेक्शन कोल फाइन 3 to 5 mm। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ डोलोमाइट दिया है यहाँ पे। CO 28% मिनिमम, MgO 80% मिनिमम, सिलिका 4% मैक्सिमम, सिलिका कम होना चाहिए। साइज 2 to 6 mm। प्रोसेस पैरामीटर जो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, क्या ऑब्जर्व करते हैं हम लोग? CYFE जोन वाइज स्किल इनसाइड टेम्परेचर, किस जोन में कितना टेम्परेचर है। किन इनलेट किन आउटलेट टेम्परेचर, किन इनलेट टेम्परेचर। ABC आउटलेट टेम्परेचर, DSC टेम्परेचर। एयर वॉल्यूम फ्रॉम फैंस कितना जा रहा है उसको मेजर करते हैं। प्रेशर एट कूलर हुड, इनलेट प्रेशर, आउटलेट प्रेशर, ओवरऑल प्रेशर ऑफ द प्रेशर प्रोफाइल ओवरऑल में। कोल प्रोफाइल, प्रोजेक्टाइल, सेल टेम्परेचर, QRT टेम्परेचर, परसेंटेज नॉन मैक नॉन मैग्नेटिक और परसेंटेज FC इन 4, ये चीज़ों को हम लोग मेज़र करते हैं। क्वालिटी ऑफ स्पंज आयरन, क्वालिटी ऑफ स्पंज आयरन इज़ प्राइमली एवलेटेड बाय द एक्सैक्ट परसेंटेज ऑफ मेटलाइजेशन, रिमूवेबल ऑफ ऑक्सीजन विच इज़ द रेशियो ऑफ मेटेलिक आयरन टू द टोटल आयरन प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट। वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ स्पंज आयरन टिपिकली प्रोड्यूस एट जिंदल स्पंज आयरन एज फॉलो, यहाँ पर जिंदल स्पंज आयरन का दिया है। परसेंटेज नॉन मैग्नेटिक 1.0, मैक्सिमम मेटेलिक Fe 81, मिनिमम Fe टोटल 91, मिनिमम मेटलाइजेशन 88, मिनिमम फास्फोर 0.07 मैक्सिमम, सल्फर 0.07 मैक्सिमम, कार्बन 0.3 मैक्सिमम, SiO2 प्लस Al2O 5% मैक्सिमम। साइज ए ग्रेड्स लम्स 3 to 20 mm, -3 5% मैक्सिमम और फाइन्स 0 to 6 mm, इसमें +6 हो 5% मैक्सिमम रहता है। वर्क डेंसिटी इसकी 1.9 से 2.2 मेट्रिक टन मीटर क्यूब। कोल बेस गैस बेस DRI टेक्नोलॉजी, यहाँ पर कोल बेस और गैस बेस में डिफरेंस बताया है। गैस बेस DRI इन्वॉल्व गैस सॉलिड रिएक्शन फास्टर इवन एट लोअर टेम्परेचर, क्रैकिंग ऑफ नेचुरल गैस प्रोड्यूस बोथ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इज द बेटर रेड्यूकेंट DRI देन हैज़ हायर मेटलाइजेशन, द nascent carbon available from the cracking combines with iron to form Fe3C and carbon content between 1.0 to 2.5% can be obtained. Coal based DRI irrespective of the operating condition, the carbon content is always between 0.15 to 0.2%. Higher carbon is DRI given advantage in steel making, lower melting point, higher opening carbon in the both act. Coal based versus gas based DRI technology. Gas based DRI is produced at 950 to 980 on Celsius. Porosity is greater, tendency towards reoxidation and even self ignition is extreme cases. Coal based DRI is produced at 1050 to 1080 on Celsius. An outer sluggy layer protects the DRI for reoxidation. Coal based DRI plants are smaller in size, maximum 500 TPD lower total capital investment, but a specific investment ton per annum is higher. Gas based technology is intrinsically cleaner. Coal based DRI plant have to contend with fine coal and extensive waste disposal. यहाँ पर रिएक्शन दी हुई है कोल बेस्ड डायरेक्ट रिडक्शन की, जो मैं पहले बता चुका हूँ, और DRI प्रोडक्शन यूजिंग द रिफॉर्म नेचुरल गैस में, इसमें देखिए CH4 ये मैथेन प्लस CO2 सिलेक्ट करके 2CO और 2H2 बनाता है, तो इसमें Fe2O3 हेमेटाइट 3H2 सिलेक्ट करके 2Fe प्लस 3H2O बनाएगा, और Fe2O3 डायरेक्ट 3CO सिलेक्ट करके 2Fe प्लस 3CO2 बनाता है। ये गैस बेस में ऐसी रिएक्शंस होती हैं। हीट ट्रांसफ़र बताया यहाँ पे थ्रू किल। गैस टेम्परेचर में क्या रेडिएशन, कन्वेक्शन, रेडिएशन और कन्वेक्शन। फीड सरफेस, इसमें कंडक्शन, फीड सेंटर में भी रेडिएशन और कंडक्शन है, किरण वॉल में कंडक्शन, रेफ्रेक्टरी वॉल और सेल जंक्शन कंडक्शन है, सेल आउटर सरफेस में रेडिएशन और कन्वेक्शन होता है। एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर हीट ट्रांसफर किस किस में होता है वो यहाँ पर बताया गया है। सडन फीचर ऑफ द कोल बेस्ड रोटरी किल्न डीआर टेक्नोलॉजी, फ्लेक्सिबिलिटी विथ रिगार्ड टू द टाइप ऑफ आयरन बियरिंग मटेरियल विच कैन बी यूज्ड सच एज लम्स और पेलेट्स, लेमिनाइट और सैंड्स एंड स्टील प्लांट वेस्ट। यूज ऑफ ए वाइड वेराइटी ऑफ सॉलिड फ्यूल्स रेंजिंग फ्रॉम anthracite to lignite including charcoal. Waste heat recovery through steam generation in some cases. Characteristic of gas based DRI and coal based DRI. Chemical analysis percentage. इसमें आइटम दिया है FET, FEM, कार्बन, सल्फर, फास्फोरस। कोल बेस्ड और गैस बेस्ड में दोनों में ये डिफरेंस है। 90 से 91 और 93 से 94 FET ज़्यादा रहता है। FEM 80 से 82, इसमें 86 से 88 हाई FEM रहता है। कार्बन 0.1 से 0.3, इसमें 1 से 2। सल्फर 0.03 से 0.05, 0.008 से 0.01, ये काफ़ी लो है। फास्फोरस भी 0.04, 0.05, 0.030 और 0.040। यूज ऑफ स्पंज आयरन, इंडक्शन फर्नेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ माइल्ड स्टील, इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस फॉर प्रोड्यूसिंग हाई वैल्यू एलॉयस स्टील, और ब्लास्ट फर्नेस फॉर इंक्रीजिंग हॉट मेटल प्रोडक्टिविटी एंड रिड्यूसिंग कोक कंजप्शन। कोल रिडक्शन, रिड्यूसिंग द कोल कंजप्शन इन pattern of DRI by optimization of air profile. Air used in 2450 normal meter cube per hour, average coal consumption from 1.26 to 1.33. Thank you for watching.